हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन गार्डन का अपडेट दूंगी, क्या चल रहा है मेरे गार्डन में सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। जून का महीना ख़त्म होने वाला है और मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। हमारे साइड 4-5 दिनों से डेली बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडा सा मौसम हो गया है, टेम्परेचर डाउन हो गया है। ये गार्डनिंग के लिए बिल्कुल सही समय होता है, चाहे आप किचन गार्डनिंग करना चाहें या फिर आप फूलों के पौधे लगाएं। अभी कोई भी कटिंग आप लगा लीजिए, बहुत आराम से चल जाएगी। और मैं भी अपने किचन गार्डन में जो जो सब्जियां मुझे लगानी थी सभी की मैं सीडलिंग कर चुकी हूँ। और मैं ये आपको अपडेट दे रही हूँ क्योंकि कई लोगों के लगातार कमेंट्स आते हैं कि आप जो भी लगाएं हमें अपडेट करते रहिए ताकि हम भी आपके साथ साथ गार्डनिंग कर सकें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, मैंने कौन कौन सी सब्जियों के बीज कहाँ कहाँ लगाए हैं। 4-5 दिनों पहले जिस दिन पहली बारिश हुई थी उसी दिन मैंने सारे बीज लगा दिए थे और अब मैं बीजों से पौधे निकलने का इंतजार कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं मैंने कौन कौन सी सब्जियों के बीज लगाए हैं और कितने बड़े कंटेनर में कितने पौधे मैं रखूंगी। तो देखिए, इस पहले वाले बॉक्स में मैंने करेले के बीज डाले हैं और इतने बड़े कंटेनर में मैं करेले के लगभग 3 पौधे रखूंगी। और इसके बाद ये जो दोनों हैं, इन दोनों में मैंने तोरई के बीज डाले हैं और तोरई के मैं 2-2 बेल रखूंगी। और इसके बगल वाले दोनों कंटेनर्स में मैंने लौकी के बीज डाले हैं और लौकी के मैं 1-1 बेल रखूंगी। एक कंटेनर में 1 पौधा रखूंगी। और इसके बगल वाले ड्रम में इसमें मैंने कद्दू के बीज डाले हैं। तो जो ये आपको कंटेनर दिखाई दे रहे हैं थर्माकोल वाले, इनकी लगभग 10 इंच गहराई है, 17 इंच चौड़ाई है और 24 इंच लंबाई है। तो आप साइज का हिसाब लगा लीजिए, तो इतने पौधे आप रखिए। और ये वाला जो कंटेनर है इसमें मैंने लॉन्ग बीन्स के बीज डाले थे और मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था और देखिए पौधे इसके निकल आए हैं। और यहाँ पर देखिए मिर्ची पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और सारे पौधों की गुड़हल वगैरह की मैंने कटिंग कर दी थी, मतलब प्रूनिंग कर दी थी बरसात शुरू होने से पहले, और सभी पर बहुत अच्छे नए नए पत्ते आ गए हैं, बिल्कुल ग्रीनरी हो गई है। और देखिए ये कुंदरू की बेल, ये मैंने फरवरी में कटिंग से ग्रो की थी और 2 दिन बाद मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग अब ये हो रही है और बारिश शुरू होते ही बिल्कुल रंगत ही बदल गई है पौधों की और एकदम तेजी से ग्रोथ पर आ गए हैं। और थोड़े ही दिनों में देखिएगा ये बेल कितनी ज्यादा और ज्यादा घनी और लंबी हो जाएगी और मैं इसे ऊपर की तरफ और चढ़ा दूंगी। और बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, 2 बार मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, 2 या 3 बार मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और अब आज फिर मैं जितने भी तैयार हो रहे हैं वो मैं हार्वेस्ट करती जाऊंगी। अब इधर देखेंगे तो इन दोनों ग्रो बैग्स में मैंने स्वीट कॉर्न के सीड्स लगाए थे, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और देखिए अब प्लांट्स निकल आए हैं। और ये गिलोय की बेल है और इस वाले ये वाला कंटेनर खाली है, देखिए इसमें मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। ऐसे 2 कंटेनर मैंने खाली छोड़ दिए हैं, उनमें मैं बैगन की जो पौधे मेरे तैयार हो रहे हैं उन्हें मैं शिफ्ट करूंगी। और इसमें जो छोटे छोटे ये आपको बीज निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ये ग्वारफली के हैं। ग्वारफली के मैंने बीज डाले थे, हालांकि इतने पौधे मैं नहीं रखूंगी, 5-6 पौधे ही रखूंगी। बीज हमेशा मैं एक्स्ट्रा डालती हूँ, जितने ज़रूरत होंगे उतने पौधे रख के बाकी के मैं हटा दूंगी। और ये देखिए पुदीना, और अब देखिए ये पुदीना कैसा रफ सा खराब सा होने लगा है। तो बस इससे छोटी सी जड़ निकाल के मैं पुदीने की और बगल में जो कंटेनर है इसमें मैं लगा दूंगी, तो हमारे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और देखिए इसमें भी ये लॉन्ग बीन्स के प्लांट्स निकल आए हैं। मैंने पर्पल वाली लॉन्ग बीन्स के बीज लगाए हैं लेकिन मेरे सारे कंटेनर्स में ग्रीन वाली बीन्स के बीज अपने आप निकल आए हैं, क्योंकि मैंने सूखी हुई बेलें मिला दी थी मिट्टी में और उसमें बीज थे, फलियां थी सूखी हुई, तो अपने आप कई सारे प्लांट्स निकल आए हैं। और ये देखिए मिर्ची का प्लांट है ये, और ये गुड़हल की मैंने प्रूनिंग की थी और देखिए कितने हेल्दी पत्तियाँ आई हैं। और ये वाला जो पौधा है ये डहेलिया का फूल है, हाँ डहेलिया नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने पूरा प्लांट कट कर दिया था, तो इसके नीचे बल्ब से देखिए नई पत्तियां निकली हैं। और इसमें मैंने अपराजिता के बीज लगाए हैं लेकिन देखिए इसमें भी ये बीन्स के प्लांट निकल आए हैं, तो अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसमें से निकाल के इन्हें दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लूँगी। और देखिए ये मिर्ची का पौधा कितना अच्छा कितना बढ़िया हो गया है, ये मैंने पूरा बड़े प्लांट को मैंने इसमें रिपॉट किया था, मैंने शेयर भी किया था। और इसमें मैंने खीरे के बीज लगाए हैं और खीरे के मैं 2 बेल रखूंगी इसमें। और यहाँ पर देखिए ये मैंने सदाबहार का पौधा लगाया है और इसमें मैंने स्वीट कॉर्न के 3 बीज डाले थे और देखिए तीनों ही निकल आए हैं। साथ में ये एक और पौधा पता नहीं तोरई का है या लौकी का है, ये कौन सा निकला है। तो अपने आप देखिए बरसात में बहुत सारे पौधे अपने आप मिल जाते हैं। और इसमें देखिए ये जुकिनी के मैंने 2 बीज डाले थे, तो एक पौधा निकल आया है और एक ही पौधा मैं इसमें रखूंगी।
और ये मिर्ची है, और साथ में ये वाला कंटेनर भी खाली है आगे वाला, उसमें भी मैं बैंगन के पौधे लगाऊंगी। और इसमें हमने जो हल्दी की सीडलिंग की थी उसमें देखिए ये पत्तियां ऐसे निकलने लगी हैं, और कुछ ही दिनों में ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह से कुछ बीज निकल आए हैं और बाकी निकलने वाले हैं। और मैंने इस बार सीडलिंग्स तैयार नहीं की हैं, सारे के सारे मैंने डायरेक्ट बीज डाले हैं, और सिर्फ ये टमाटर और बैंगन को छोड़कर, क्योंकि इनकी तो सीडलिंग्स तैयार करनी ही होती हैं, तो सिर्फ देखिए इन्हीं की मैंने अलग से बीज डाले हैं। बाकी मैंने सारे जिस कंटेनर में लगाने थे उस कंटेनर में मैंने डायरेक्ट बीज डाल दिए हैं, और अब मैं बस बीजों के निकलने का वेट कर रही हूँ। और ये देखिए ये मेरा जो आलमंडा का पौधा है, इसमें भी बारिश शुरू होते ही देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और इसके अलावा मैंने कुछ छोटे छोटे ये जो 9 o'clock के प्लांट्स होते हैं, ये छोटे छोटे देखिए कटिंग्स इसमें लगा दी हैं और ये ग्रो हो जाएंगी। तो बरसात का मौसम ही ऐसा है, आप जो चाहें लगा लीजिए, बिल्कुल आपको लगभग 99% रिजल्ट्स मिलते ही हैं। और जितने भी ये छोटे गमले हैं जो मैंने खाली छोड़े हुए हैं, इसमें मैं ज़्यादातर भिंडी और टमाटर लगाती हूँ। तो इस बार भिंडी तो मैंने नहीं लगाई है, और इन सभी में मैं, और ये जो टब्स हैं इनमें भी मैं सभी में मैं टमाटर लगाऊंगी। बस थोड़ी सी मेरी सीडलिंग्स तैयार होनी बची हैं, और इन सभी में मैं टमाटर के पौधे शिफ्ट कर दूंगी। और दो मैंने ये थर्माकोल वाले बॉक्स खाली छोड़े हैं, इनमें मैं बैंगन के दो दो पौधे लगाऊंगी। और जितने भी ये खाली कंटेनर्स हैं इनमें मैं किचन वेस्ट डालती जा रही हूँ। जब तक मेरे पौधे तैयार नहीं होते तब तक मैं जितना भी किचन से निकला हुआ वेस्ट है, सब्जियों फलों के छिलके, मैं डालती जाऊंगी और मिट्टी मेरी रिच होती जाएगी। तो इस तरह से मिट्टी बहुत आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से करीब 11, 12 या 13 सब्जियों की सीडलिंग मैंने अपने इस छोटे से गार्डन में कर ली है। और आगे जैसे जैसे बीज निकलेंगे, पौधे बड़े होंगे, क्या केयर मैं करूंगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस ये छोटी सी अपडेट थी। तो आप भी मॉनसून सीजन का फायदा उठाइए और जो भी चाहें अपने गार्डन में इस समय आप लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पुदीना ले लेते हैं चटनी के लिए। और अगर आपने भी पुदीना लगाया हुआ है और ये मेरी तरह से आपके भी पौधे हो गए हैं, मतलब पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी हो गई हैं, बिल्कुल रफ सी हो गई हैं, तो बस आपको क्या करना है, अपने पुराने पुदीने के प्लांट में से थोड़ी सी जड़ सहित टहनी निकाल लीजिए और किसी नए कंटेनर में उसे लगा दीजिए। और बस थोड़े ही दिनों में आपका जो वो नया वाला कंटेनर है वो भी बिल्कुल पुदीने से भर जाएगा, और अब जो नए पौधे बनेंगे उनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी और बिल्कुल हेल्दी होंगी। जब पुदीना हम लगाते हैं तो मतलब एक सीजन के बाद ना वो पूरी जड़ें उसमें भर जाती हैं पुदीने के पॉट में, और पत्तियां ऐसी हो ही जाती हैं। तो हर सीजन में आप नया लगा सकते हैं, तो उससे आपके नए हेल्दी पौधे तैयार हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अब बारिश भी शुरू हो रही है। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।